हाय, दिस इज पूनम शर्मा एंड वेलकम टू सद्भावना न्यूज। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और गंधवानी से कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार की महिला मित्र सोनिया के सुसाइड मामले में अब सिंघार के खिलाफ भोपाल के शाहपुरा थाने में महिला को आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज हो गया है। पुलिस ने मृतका सोनिया द्वारा लिखे गए सुसाइड नोट, मृतका के बेटे और नौकर के बयानों के आधार पर विधायक के खिलाफ धारा 306 के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस को दिए बयान में सोनिया के बेटे आर्यन और नौकरों ने माना है कि दोनों के बीच नोकझोंक होती थी। पुलिस के मुताबिक महिला के पर्स से मिले सुसाइड नोट, नौकरों और सोनिया के बेटे आर्यन के बयानों के आधार पर कार्रवाई की गई है। रविवार को शाहपुरा स्थित बंगले पर उनकी गर्लफ्रेंड 39 साल की सोनिया भारद्वाज ने खुदकुशी कर ली थी। उन्होंने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है। एएसपी राजेश सिंह भदौरिया ने बताया कि अब तक की पूछताछ में सामने आया है कि सिंघार जल्द ही सोनिया से शादी करने वाले थे। उनकी पहचान एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट के माध्यम से हुई थी। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि उनकी शादी कब होने वाली थी। परिचितों के मुताबिक सोनिया ने पहले पति को छोड़कर दूसरी शादी की थी, लेकिन कुछ दिन बाद वो रिश्ता भी टूट गया। इधर सोमवार दोपहर पोस्टमार्टम के बाद परिजन सोनिया का शव कोलार सनखेड़ी विश्राम घाट ले आए। सोनिया का बेटा और माँ भी साथ थी। कुछ देर बाद विधायक उमंग सिंघार भी वहां पहुंचे। उन्होंने सोनिया के बेटे और माँ से बात की। सोनिया के बेटे आर्यन ने अंतिम संस्कार किया, हालांकि किसी ने भी इस बारे में कुछ भी कहने से इनकार किया है। एफआईआर से पहले उमंग सिंघार ने भोपाल रेंज के आईजी को आवेदन लिखकर अपील की थी कि वो एक जनप्रतिनिधि है, इसलिए एफआईआर से पहले एक मजिस्ट्रियल जांच कराई जाए। सिंघार ने दावा किया है कि सोनिया के सुसाइड नोट में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है जिससे मेरे ऊपर खुदकुशी के लिए उकसाने का केस बने। सिंघार ने अपने आवेदन में टीवी पत्रकार अर्नब गोस्वामी को लेकर हाल ही में आए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी हवाला दिया। इस मामले में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का भी बयान आया है। उनका कहना है कि सोनिया के पिता नहीं हैं, उनकी मां भोपाल आ गई हैं, पुलिस उनसे बातचीत कर रही है। उमंग सिंघार से भी पुलिस ने पूछताछ की है। इस पूरे मामले में जल्द पूरी स्थिति साफ हो जाएगी। पावर्ड बाय आर्थ्रोस क्लिनिक, अ डेडिकेटेड सेंटर फॉर आर्थ्रोस्कोपी एंड स्पोर्ट्स इंजरीज।